ये डबल शाफ्ट मशीन की ऊपर की जो टाइमिंग होती है शाफ्ट की, इस वाली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, क्योंकि लोगों को कमेंट आ रहे थे कि ऊपर की जो शाफ्ट होती है उसकी टाइमिंग कैसे बनती है। नीचे की मैंने वीडियो बना रखी, नीचे वाली शाफ्ट की से जो ऊपर की टाइमिंग बनती है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। इस वाली वीडियो में ओनली टाइमिंग बताऊँगा कि ऊपर वाली शाफ्ट की टाइमिंग कैसे बनती है। ये देखिए, पहले हमने इसको कटोरा लगाया, कटोरे के बाद इसके बाद ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक को अंदर लगाकर इसको हम 5 केलंकी से टाइट कर देना है, और अब इसके बाद हम जो ऊपर का गरारा होता है इसको हमें लगाना है। और इसको लगाने के बाद इसमें 5 केलंकी का इसके ऊपर वो लगाना है, इसका खोल लगाना है और इसको कस देना है। इसको कसने से पहले 5 की एलंकी वाले उसमें वो डालेंगे, देखिए इसके अंदर छल्ला डालेंगे। इतने हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें। ये देखिए हमने इसको लगा लिया है, इसके बाद हम जल्दी से जल्दी इसको बोल्ट कसते हैं और आगे इसकी हम बस ओनली इसमें हम आपको डबल शाफ्ट की ऊपर वाली शाफ्ट की टाइमिंग बांधना सिखाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल में जाके डोबी की सेटिंग वगैरह, डोबी की जो चाल होती है, जो टाइमिंग होती है शाफ्ट के बाद, हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं। ये देखें हम 5 केलंकी की जल्दी जल्दी इसमें हम बोल्ट डाल रहे हैं। और आपको कुछ पूछना हो, ये डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और पेज मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप कमेंट में नंबर ना मांगे, आप वहाँ जाके हमसे जो भी बात है वहाँ जाके आप चैट कर सकते हैं, अपनी वीडियो हमें बता सकते हैं, आपकी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, उसका सॉल्यूशन के लिए हम आपको वीडियो बना कर देंगे। हम इसके बना लेते हैं और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। ये देखिए ऊपर वाले शाफ्ट का जो हम बड़ा वाला जो व्हील है इसको हम टाइट कर रहे हैं। उसके बाद अब हमें इसमें क्या करना होगा ये अभी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। ये हमारे 5 केलंकी के बोल्ट हमारे अब टाइट हो गए हैं। ये देखिए ये जो हमारी शाफ्ट है, जो आराम है, इसको हमें सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट में, ना तो ऊपर जाना है ना नीचे रखना है। जो ऊपर वाली शाफ्ट है इसको बिल्कुल सीध में रखना है और हमारे जो रेपियर हैं दोनों बीच में आने चाहिए। ये देखिए दोनों रेपियर बीच में हैं हमारे, ये ऐसे ही हमारे दोनों रेपियर बीच में रहने चाहिए और वो बिल्कुल साइड में रहनी चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए आपको एरो का निशान दिख रहा है, चक्री को इसको खींच के रखना है, उसके बाद हमें बोल्ट टाइट करने हैं और मशीन को ऑन रखना है, यानी मोटर नहीं चलाना। ये देखिए अब हमारी मशीन की हमने टाइमिंग बांध दी है, अभी देखिए हमारी मशीन चल रही है, ओके की रिपोर्ट है। ये देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, इसमें हमारी टाइम सही हो गया है, मशीन हमारी रन कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये देखिए हमारी मशीन अब रन कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।